हेलो गाइस, मैं सूरज आज आपके नए वीडियो के साथ आए दोस्तों। और आज देखिए तो 2 बजे की हमारी लाइव क्लासेस थी, ठीक है ना। तो उसको स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ देखिए बात कर रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है और ये क्या है प्रोसेस, पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे और इसके उदाहरण को भी देखेंगे। और मैं एक बात बताऊँ आपको, हमने देखिए ऑब्जेक्ट जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, 2 बजे से लाइव क्लासेस चलती हैं, आप बहुत अटेंड करिए, ठीक है ना। यदि किसी कारणवश आपके क्लास नहीं लग पाती लेकिन फिर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है ना, किसी कारणवश, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ दिन बाद ऐसा नहीं होगा, डेली आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर 100% ही होगा ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि ये सब कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, मतलब कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, क्योंकि देखिए हाइपर कंजुगेशन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये 2020 के एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, सच बता रहा हूँ, पक्का देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझिए तो क्या करना है आपको। और एक बात और बता दूँ, यदि किसको नोट्स डाउनलोड करना है तो नोट्स का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के कोर, मतलब कार्बनिक, मतलब जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और, ठीक है ना, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों के नोट्स हमने अपलोड कर रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए पूरा, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये होता है कि हम जो क्वेश्चन समझाते हैं आपको, जो हम क्वेश्चन समझाते हैं वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे ना, ताकि आपके पास नोट्स होगा और हम जो आपको बता रहे हैं आपके पास भी वो होगा, तो आप समझ में जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना होता है क्या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, देखिए हाइपर कंजुगेशन को समझते हैं आज और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए बात कर लेते हैं, तो अच्छी लगे वीडियो आपको तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए ये बात कर रहे हैं जब कोई कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा है। देखिए कार्बन होता है सी और हाइड्रोजन हमने एच लिखा है, ठीक है ना, सिंपली मतलब जो हाइड्रोजन है वो सिंगल कार्बन वो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बॉन्ड से, ठीक है ना। कह रहा है किसी आसंतृत इसे आसंत कहते हैं, ठीक है, कार्बन आसंत कार्बन होता है उनसे, जैसे कि आसंत कार्बन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना, सी डबल बॉन्ड सी से कहते हैं, या फिर यहाँ भी कुछ हो सकता है, यहाँ देखिए इस प्रकार से, या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना, से जुड़ा हो, ठीक है। तब क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कंजुगेशन कर लेता है, कैसे लेता है, कंजुगेशन कर लेता है, ठीक है ना। और इस प्रकार एकल्क बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युक्त, सिग्मा युक्त जो इलेक्ट्रॉन युक्त क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उनके साथ क्या होता है, संयुग्मन कर लेते हैं, ठीक है ना, पेयरिंग कर लेते हैं, और इससे जो क्या होता है, तो इसे हाइपर कंजुगेशन कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया, नहीं आया होगा मुझे बताया, नहीं आया तो ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं आपको। आई होप, देखिए मैं आपको इस वीडियो को इसलिए बनाता हूँ कि आपको पसंद आनी चाहिए, और एक्चुअली पहली पसंद आने या ना आने से मत फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना, जब समझ आएगा तो पसंद भी आएगी। तो देखिए यहाँ बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, जब कोई कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ में आ रहा है, कार्बन सी और हाइड्रोजन बॉन्ड किसी संतृप्त कार्बन, अब देखिए संतृप्त कार्बन किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे संतृप्त कार्बन वो कहलाते हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हो या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हो, वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त आसंतृप्त कार्बन कहलाते हैं, ठीक है, आसंतृप्त कार्बन कहलाते हैं, तो से जुड़ा हो, समझ में आ रहा है, आसंतर कार्बन से जुड़ा हो, तो जैसे कि आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद में तब हाइड्रोजन जो कार्बन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन ये जो कार्बन बॉन्ड है, कार्बन या हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो कंजुगेशन कर लेता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखिए दोबारा से रिपीट करते हैं, दोबारा से यही समझिए, यहाँ आप क्लियर करो, पहले ये समझ में आ जाएगा तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए जब कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसी आसंतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है, आसंतृप्त कार्बन कैसे होते हैं, देखिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, तब क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कंजुगेशन कर लेता है, ठीक है ना, कंजुगेशन कर लेता है। और इस प्रकार एकल्क बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युक्त बॉन्ड बनता है, जो सिग्मा वाला, ये आप जानते हैं इस प्रकार सिग्मा बनता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन युक्त बॉन्ड के साथ कंजुगेशन कर लेता है या संयुग्मन कर लेता है, इसी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, इसी को हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, मुझे बताया आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ यार इतनो बार मैं बहुत पॉइंट यहाँ बता दिया। अब क्या हुआ, उसके बाद में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्थानांतरण के फलस्वरूप क्या होता है, देखिए स्थानांतरण मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण हो गया, तो के फलस्वरूप जो होता है जो ना वो आयनिक रूप में उत्पन्न हो जाते हैं,
समझ में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थानांतरण के फलस्वरूप जो आयनिक रूप में उत्पन्न या सही उत्पन्न हो जाते हैं, वे अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। वो क्या कहलाता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, जिसे या हम इसे बिना बॉन्ड का अनुनाद भी कहा जाता है। समझ में आया नहीं यार, दोबारा देखिए। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप जो आयनिक रूप उत्पन्न होते हैं, वे अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसी को हम बिना बॉन्ड का अनुनाद भी कहा जाता है, इसी को हम बिना बॉन्ड का अनुनाद भी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए, हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या होता है, जो हाइपर कंजुगेशन होता है उसके कारण जो प्रोपीन होता है, प्रोपिल जिसे कहते हैं, प्रोपीनील, ठीक है, अधिक स्थायी होता है। प्रोपिल कैसे होता है, अधिक स्थायी होता है। आपको इसे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन जुड़ेगा, देखिए उसके बाद में देखिए सेकेंड आपको रिएक्शन ये लिखनी पड़ेगी, देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ आपको ट्रिपल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, थ्री वाली रिएक्शन, उसके बाद में चौथी रिएक्शन, बस आपको ये लिखनी है और इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत छोटा क्वेश्चन और 3 नंबर आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं, यहाँ 3 नंबर मेरे बेटो बच्चों क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर यहाँ क्लियर हो जाते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, 2020 के एग्जाम में 3 नंबर का क्लियर है। तो इसे यार गवाओ मत, अच्छी तरीके से आप स्टडी करिए, डेली बाय डेली हम क्लासेस ले रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और यार एक लाइक ज़रूर मत कीजिए, ठीक है ना। बाय।